भाइयों आज बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, स्पेशली जो लोग ड्राइव करते हैं, फोर व्हीलर्स गाड़ियां जो ड्राइव करते हैं उनके लिए। अगर आप लो बीम पे कर लोगे ना तो आपकी इज्जत में, आपकी इज्जत पे बात नहीं आएगी, आपकी बेइज्जती नहीं होगी उसमें लो बीम पे करने में। और ये जो आप लोग आफ्टर मार्केट LEDs या चीप चाइनीज LEDs लगाते हो ना, ये भी मत लगवाओ, सामने वाले ट्रैफिक जो ऑनकमिंग ट्रैफिक है बड़ी प्रॉब्लम होती है। और अगर पता ना हो लो बीम हाई बीम कैसे होती है तो यहाँ से कर लो, मैं बता देता हूँ इस वीडियो में। ये जो डंडी है ना, इसको पीछे करोगे हाई बीम, इधर करोगे अपनी तरफ करोगे लो बीम। इडियट्स, सिर्फ 10% गाड़ियाँ हैं जो लो बीम पे मेरे को फरीदाबाद में मिलती हैं। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, ठीक है। और ये जो यंगस्टर्स है ना, जो ये देखो इसके डिपर्स देखो, ये अब इसने वो करा रखी है, चेंज करा रखी है, इसकी फैक्ट्री फिटेड नहीं है ऐसे देखो। या तो भाई साहब आप लोग जब गाड़ियाँ खरीदते हो ना तो वहाँ पे जो सेल्स वाले होते हैं उनसे पूछा करो कि भाई किस गाड़ी में क्या है। मैं स्कॉर्पियो चलाता हूँ, मैं अपनी गाड़ी लो बीम पे रखता हूँ, हाई बीम पे सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि तो आप लोग भी दूसरे सामने वाला जो आ रहा है आपकी तरफ उस पर थोड़ा सा रहम कर लो भाई, लो बीम कर लो। और मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी पुलिस से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये टिंटेड ग्लासेस और ये सब के जो फाइन करते हो ना, चलो ये सब भी ठीक है, पर ये अननेसेसरी रखते हैं मेरे को। इससे बढ़िया है हाई बीम वालों के चलान काटो पहले तो। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल LEDs जो अपग्रेड करके लोग चलाते हैं ना गाड़ियों को, कितना प्रॉब्लम होता है यार, सामने से ना दिखता है, विजिबिलिटी जीरो हो जाती है और आंखों पे भी असर आता है इसका, जो वाइट लाइट्स जो लगाते हैं। और आजकल मैन्युफैक्चरर्स भी दे रहे हैं सस्ती गाड़ियों में, ये बलिनो वगैरह, इनमें काफ़ी गाड़ियों में LEDs आ रही हैं। अरे भैया ना तो खुद दिखता है ना सामने वाले को दिखता है, तो अगर ये चीज़ें लगवानी है तो हाईवे पे चलाओ हाई बीम करके, लोकल ट्रैफिक में, सिटी ट्रैफिक में। और बाय लॉ भी इस चीज़ का अगर आप सिटी में हाई बीम यूज़ कर रहे हो तो उसका फ़ाइन है, लेकिन वही है पुलिस वालों को वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते इन चीज़ों में, काटते ही नहीं इन चीज़ों का फाइन। चलो बाकी मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो भगवान ना करे आपके साथ हाई बीम वाले की वजह से किसी दिन कोई क्लैश हो, एक्सीडेंट हो आपका। ये हाई बीम पे एक और लाट साहब, हमारे उत्तर प्रदेश के लाट साहब, सॉरी टू से बट हमारे देश में लोगों में सिविक सेंस नाम की चीज आसपास भी नहीं है। अब ये सारे ट्रैफिक कट करके जा रहा है, यूं ही आराम से लाइन में खड़े रहो, आगे जाके वहां ब्लॉक कर देंगे, पतला रोड है, खड़े रहो जाम में फिर क्या करें। फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस प्लीज कुछ करो। और हाँ एक चीज और है, ये हाई बीम चलाने वाले ना, हाई बीम पे गाड़ी चलाते, तुम चंडीगढ़ जाके देखो, चूड़ी टाइट हो जाएंगी तुम्हारी बढ़िया तरह, जब वहाँ कटेगा ना चलान, मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 मिनट गाड़ी चला के दिखा दो कोई चंडीगढ़ में हाई बीम करके, और ना तुम्हें वहाँ कोई गाड़ी हाई बीम पे चलती हुई मिलेगी सिटी में, प्रॉपरली लिट है सब कुछ। लो बीम पे आप भी अगर लो बीम पे चलते हो, सामने वाला भी लो बीम पे, सबको सब कुछ दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सबकी गाड़ी में होती हाई बीम, कोई भी लगवा सकता है। ये 5-6 हज़ार रुपये की LEDs और चीप लाइट्स जो लोग लगवा रहे हैं, और ना खुद की कोई विजिबिलिटी है इसमें। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि जब आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो लो बीम पे ड्राइव करें, और एटलीस्ट अगर सामने से कोई डिप्पर मांग रहा है आपसे, इसको बोलते हैं डिप्पर मांगना, ये अगर कोई डिप्पर मांग रहा है तो उसको एटलीस्ट आप तब तो डिप्पर तो दे दो, क्या पता उसे जेन्युइनली प्रॉब्लम हो रही हो।